एवरीवन, माई सेल्फ जेसिका एंड वेलकम टू जेसिकास क्लासरूम। आज की वीडियो में हम कुछ मॉडर्न और ट्रेंडिंग वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हमने बहुत सारी वेब सीरीज देखी हैं, बहुत सारी मूवीज देखी हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं फोर मोर शॉर्ट प्लीज के बारे में, जिसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज हुए हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोली गई है, बहुत सारे ट्रेंडिंग वर्ड यूज किए गए हैं। तो उनमें से मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि अगर आप सीरीज देखते हैं और शुरुआत में ही चार वर्ड लिखे आते हैं, एम्बिशियस, प्रूड, फेमिनिस्ट एंड स्लट। मैं एक एक करके इन चारों वर्ड का आपको मीनिंग बताती हूं। एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, प्रूड यानी कपटी, चीटर कह लीजिए आप, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस मतलब जो कि अपने सपनों को पूरा करे और जिसके बड़े बड़े सपने हो, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना हो। प्रूड कपटी यानी चीटर। फेमिनिस्ट नारीवादी, यानी जो हर चीज में नारियों को आगे रखे, पीछे ना समझे किसी भी से। स्लट यानी कुल्टा, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में आप गंदी भी बोल सकते हैं। चलिए, सो ये चार वर्ड शुरुआत सीजन वन के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड के शुरुआत में ही ये चार वर्ड हमें दिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहता है साइन ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, साइन ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। सो जो साइन ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है, बाध्यकारी व्यवहार, यानी कि कंपल्सिव बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल नीड टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्शन। यानी कि कंपल्सिव बिहेवियर आप कह सकते हैं जब भी किसी भी इंसान को सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सब कुछ ठीक चाहिए, सब कुछ क्लीन चाहिए एंड उस चीज को करने के लिए वो बार बार उसको ठीक करता है, जरूरत नहीं होती ठीक करने के लिए लेकिन फिर भी वो ठीक करता है। तो इस वेब सीरीज में जो दामिनी है उसको प्रॉब्लम है कंपल्सिव बिहेवियर की, यानी उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सब कुछ ठीक चाहिए। चलिए नेक्स्ट सीन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीन में आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस बोला गया है, सो यू गाइज लाइक हैंग आउट एंड स्टफ। सो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंग आउट, हैंग आउट का मतलब होता है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन अ प्लेस और विद समवन। हैंग आउट मतलब किसी के साथ चिल करना, किसी भी एक जगह पे, कोई कैफे हो, कोई लॉन्च हो, वहां पे आप काफी देर बिताया, आपने आपकी फेवरेट प्लेस है, आपने दो ढाई घंटे वहां बिताए, वहां बातें की, इट मींस कॉफी पी, वो हैंग आउट कहलाता है। लेट्स हैंग आउट यानी कि चलो कहीं चलते हैं दो तीन घंटे के लिए, कॉफी पियेंगे, चिल करेंगे, बातें करेंगे, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं हैंग आउट। नेक्स्ट सीन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अंश, यू आर स्टिल ऑब्सेसिंग विद दैट गर्ल। ऑब्सेसिंग, ऑब्सेसिंग यानी ऑब्सेशन होता है जुनून या फिर सनक, ऑब्सेशन यानी जुनून या फिर सनक। आप इंस्टा स्टोरी भी देखते होंगे काफी लोगों की, तो उसमें लिखा होता है आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट फिल्टर, यानी मैं उस जो फिल्टर है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उस फिल्टर से उभर नहीं पा रही हूं, मुझे ये बार बार ये वाला फिल्टर यूज करना ही करना है। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्सेसिंग वर्ड यूज किया गया है। ऑब्सेसिंग वर्ड मतलब किसी भी चीज को दिल में घर कर लेना, दिमाग से नहीं निकाल पाना। तो यहाँ पे वो बोल रही है यू आर स्टिल ऑब्सेसिंग विद दैट गर्ल। ऑब्सेसिंग यानी तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में वो लड़की घर कर गई है, तुम अब भी उसी के बारे में सोच रही हो, ऑब्सेसिंग। चलिए नेक्स्ट सीन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है आई एम सॉरी माई बैड। आई एम सॉरी माई बैड मतलब, माई बैड मतलब मेरा बुरा, नो, माई बैड मतलब मेरी गलती। आई एम सॉरी माई बैड दैट मीन्स आई एम सॉरी माई मिस्टेक, मेरी गलती, माई बैड मेरी गलती। तो इस तरीके से भी आप अगर कोई गलती हो जाए तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी माई बैड। सो इस तरीके से माई मिस्टेक की जगह यू कैन से माई बैड। नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं एंजॉय द एम्बियंस, एंजॉय द
द एम्बियंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बियंस? यानी माहौल. इंजॉय द एम्बियंस यानी कि ये मत देखो कि स्टेज पे क्या चल रहा है, बस एम्बियंस को एंजॉय करो यानी माहौल को एंजॉय करो. एम्बियंस यानी माहौल. नेक्स्ट वर्ड इज फेयर इनफ. फेयर इनफ मतलब काफी सही, काफी उचित. यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कन्वर्सेशन ही है कि एंजॉय द एम्बियंस, सो उसका रिप्लाई दिया फेयर इनफ यानी सही है, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, फेयर इनफ. नेक्स्ट सीन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट सीन में बोला गया है सो माय रूमीज फ्रेंड वाज इन द लू. सो यहाँ पे दो वर्ड हैं रूमीज एंड लू, दोनों ही मॉडर्न वर्ड हैं. रूमी मतलब हिंदी में अगर आप इसका गूगल मीनिंग देखेंगे तो उसमें लिखा है कक्ष साझेदारी, एक कह लीजिए रूममेट. रूममेट को मॉडर्न लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं वी आर रूमीज. वी आर रूममेट मतलब रूमीज. एंड सेकेंड वर्ड इसमें यूज किया गया है लू मतलब टॉयलेट, वॉशरूम, टॉयलेट यानी लू. चलिए ये दोनों ही मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड है. नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं एक वर्ड है डेजावू. यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सरकाज़म में बोला है वो वर्ड, लेकिन डेजावू मतलब एक फ्रेंच वर्ड है जो कि बहुत सारी वेब सीरीज में यूज है. डार्क वेब सीरीज है एक, उसमें भी ये वाला वर्ड यूज है और ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी है. यानी कि बहुत बार हम ऐसा फील करते हैं कि ये सारी चीजें पहले भी हमने फेस की गई हैं या फिर इस सिचुएशन में मैं पहले आया हूं या फिर एक समझ लीजिए देखा देखा सा लगता है, तो उस चीज में हम बोल सकते हैं डेजावू. डेजावू यानी देखा देखा सा लगता है. नेक्स्ट इज जैसे कि आप देख सकते हैं वरुण इज अपेरेंटली वेरी सीरियस अबाउट हर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेरेंटली? अपेरेंटली यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से, यानी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही और स्पष्ट रूप से मीनिंग अपेरेंटली का ये होता है. अपेरेंटली यानी स्पष्ट रूप से, साफ, बिल्कुल. नेक्स्ट इज नेक्स्ट सीन में आप देखिए लिखा हुआ है दे कुड स्यू अस फॉर विलफुली हार्मिंग अ पर्सन. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो स्यू, दूसरा है विलफुली. तो स्यू का मतलब होता है मुकदमा चलाना. अगर आप गूगल मीनिंग देखेंगे एस यू ई, स्यू का मतलब होता है मुकदमा चलाना या फिर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर देना. एंड विलफुली मतलब जानबूझकर. यानी इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि वो हम पे केस कर सकते हैं, हमें मुकदमा चला सकते हैं किसी भी आदमी को जानबूझ के हर्ट करने के केस में. चलिए नेक्स्ट सीन इज प्लीज आरटीजीएस माय दिस मंथ सैलरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरटीजीएस? आरटीजीएस की जो फुल फॉर्म है वो है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट. रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट. इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ इंडिविजुअल टू ट्रांसफर फंड बिटवीन बैंक्स. यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जिससे बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं आरटीजीएस. चलिए सो ये बहुत सारे अच्छे न्यू और ट्रेंडिंग वर्ड्स थे इस वेब सीरीज में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वेब सीरीज में भी ऐसे वर्ड्स ढूंढूं और आप तक लेकर आऊं तो प्लीज मुझे वेब सीरीज का नाम बताइए और मैं जरूर उससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए बताऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा साधन है इंग्लिश को सीखने का एंटरटेनमेंट के थ्रू. क्योंकि ये वेब सीरीज हम देखते हैं और हमें बहुत बार इनका एडिक्शन भी होता है कि नेक्स्ट सीजन देखना है, नेक्स्ट एपिसोड देखना है, और उसमें अगर हम
इसके थ्रू कुछ नया सीखें, कुछ नए वर्ड भी सीखें, तो एक साथ दो काम हो सकते हैं कि हम एंटरटेनमेंट का साधन भी बना रहे हैं उसको, और साथ ही साथ हम उससे एक लर्निंग भी कर रहे हैं, कुछ से कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।